हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लौकी की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम घिया से एक ऐसी रेसिपी तैयार करने वाले हैं जो लौकी नहीं खाते हैं। जैसे बच्चे लौकी का नाम सुनते ही नाक मुंह सिकोड़ते हैं, इस तरीके से बच्चे खुश होकर लौकी खाएंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बनाना। तो इस रेसिपी के लिए मैंने एक लौकी ली है, वजन में 600 ग्राम के करीब है। तो इसे मैंने अच्छे से धुल लिया है और धुलने के बाद इसे इस तरीके से छील लेंगे। और लौकी को छीलने के बाद इस तरह हम बीच से काट लेंगे, लौकी के दो भाग कर लेंगे। अगर आप बड़ी लौकी का यूज करते हैं तो आप उसके 3 से 4 भाग भी कर सकते हैं। तो एक ग्रेडर की हेल्प से इस तरह हम कद्दूकस कर लेंगे। तो साइड साइड से हमें ये कद्दूकस करना है और जो बीच का पोर्शन होता है वाइट वाला, उसे हम निकाल देंगे। तो लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है और जो इसका बीच का पार्ट है ये वाला मैंने हटा दिया है। आप चाहे तो इसका रायता भी बना सकते हैं या फिर सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। हम इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अब मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है और गैस को कर दिया है ऑन। और अब इसमें डालेंगे देसी घी। तो 1 बड़ा चम्मच के करीब यहाँ पे मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। तो घी को हल्का सा गर्म होने देंगे, बस इतना ही गर्म करना है, ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देखिए कि अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, इन्हें हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और थोड़ी देर हम इन्हें रोस्ट करेंगे। 8-10 काजू लिए हैं, 8-10 बादाम लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश ली है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने थोड़े ही यूज किए हैं और अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट और भी ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। लगभग 2 मिनट के करीब मैंने इन्हें भून लिया है। इनका हल्का सा कलर है जो चेंज होने लगा है, तो इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट को मैंने निकाल लिया है। अब सेम कढ़ाई में हम ये कद्दूकस किया हुआ घिया डाल देंगे और अब इसी बचे हुए घी में इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अलग से हमें कोई घी नहीं डालना है। लौकी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, हमें केवल इसे 2-3 मिनट तक ही घी में भूनना है। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। तो जब हम लौकी को भूनते हैं तो ये काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर छोड़ता है, क्योंकि हमने लौकी को निचोड़ कर नहीं डाला है, हमें इसके जूस के साथ ही इसे डाला है। क्योंकि पानी निकालने के बाद इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वह सब निकल जाता है, तो इसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना है, हमें पानी के साथ ही इसे फ्राई करना है। तो घिया को मैंने 2 मिनट के करीब भून लिया है और इसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास दूध ऐड कर दिया है। तो दूध को अच्छे से मिला लेंगे और जब तक दूध कम नहीं हो जाता, जब तक हम इसे कंटिन्यू इसी तरह चलाते हुए भूनेंगे। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक ये दूध काफ़ी मात्रा में कम ना हो जाए। और आप देख सकते हैं दूध काफ़ी मात्रा में कम हो गया है। तो दूध को पकाने में 5 से 7 मिनट लगते हैं और आप देख सकते हैं बस बहुत ही कम मात्रा में इसमें मॉइस्चर रह गया है। और इससे ज़्यादा अभी हमें सुखाना नहीं है इसे। तो अब इस टाइम पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पर मैंने 1/2 कप चीनी डाली है और ये एकदम परफेक्ट बने थे। तो चीनी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और चीनी भी अब पानी रिलीज करेगी। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, चीनी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़े मैंने बचा लिए हैं गार्निश के लिए। तो इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो नीचे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैंने इसमें 3 से 4 इलायची कूट कर डाली है इसके अंदर। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया है और अब मैं इसमें लास्ट में ऐड करूंगी फूड कलर। ये ग्रीन फूड कलर है, ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बस देखने में अच्छा लगता है। और व्रत के लिए आप ये रेसिपी बनाएं तो इसे बिल्कुल ही अवॉइड कर दें, व्रत में फूड कलर का यूज ना करें। तो अच्छे से मिला दें और ये देखिए एक प्यारा सा कलर इसमें आ गया है। तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बस इसी वजह से इसे डालते हैं। जो ये लौकी है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। पूरा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का सा इसे गर्म रहना चाहिए। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और इसको मैं छू के देख रही हूँ, इसे हम अच्छे से छू पा रहे हैं, ये इतना गर्म है। तो चलिए अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए किसी मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दे और सेट होने के लिए 1/2 घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पोषण लेके इसके लड्डू बना रही हूँ। लड्डू बनाना भी बहुत ही आसान है, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे और इस तरह हाथों में गोल गोल घुमाते जाएंगे तो लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इस तरह से आप हेल्दी और पौष्टिक लड्डू अपने बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं। और इन्हें बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही कम चीज़ों में ये बनकर तैयार हो जाते हैं।
आप इसे व्रत में बनाइए, व्रत में ये एनर्जी देते हैं शरीर में, बॉडी में जो हमारी एनर्जी की कमी हो जाती है तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो आप इस लड्डू को एंजॉय कीजिए। तो देखिए इस तरह से हम सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे और इन लड्डुओं का जो टेस्ट होता है बाकी के लड्डुओं से अलग होता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने कई तरह के लड्डू खाए होंगे, एक बार इसे भी बनाइए। तो देखिए सभी लड्डू बनकर तैयार है और देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और ये लड्डू खाने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को हेल्दी लौकी के लड्डू ज़रूर खिलाएं। बहुत ही सॉफ्ट लौकी के लड्डू बनकर तैयार है, तो आप इंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।